नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। और अब समय हो चला है अभी तक की ताजा खबरों का। खबर एमपी के जिला डिंडोरी से है। एक और सरकारें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम अभियान चला रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी व राजनीतिक मंचों से खूब डिंडोरा भी पीटा जाता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में एक महिला है जो अपने दम पर जिंदगी को जीते हुए आगे बढ़ रही है और सरकार की तमाम योजनाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मार रही है। पिछले 17 सालों से यात्री बसों में बुकिंग एजेंट का काम करने को मजबूर है महिला। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं को किस कदर सशक्त किया जा रहा है, जिसकी वानगी इस तस्वीर को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। सरोज बताती हैं कि जब उनकी उम्र महज 2 वर्ष की रही होगी, तब उनकी माँ की मौत हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनके पिता ने शादी करा दी, लेकिन पति शराबी निकल गया और शराबी पति के हरकतों से तंग आकर उसने शादी के कुछ दिनों बाद पति को छोड़कर मायके आ गई। मजबूरी मेरी थी, मेरे कोई नहीं था, मैं अकेले हूँ। और क्या कहते हैं, 2 साल की थी तो मम्मी खत्म हो गई थी, तो फिर खत्म होने के बाद पापा जी थे, तो बहुत परिस्थिति खराब थी हम लोगों की। फिर शादी कर दी, शादी करने के बाद मैं 2 बार गई हूँ मैं, तो वहाँ पर खूब शरावरा पीते थे, मारपीट करते थे, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी। फिर यहाँ पे आके अंडा का धंधा करने लगी, 5-7 साल अंडे का धंधा की। उसके बाद में फिर यहाँ पे कई लोग बोलने लगे कि गाड़ी में काम करो करके, तो फिर वहाँ काम करना चालू कर दी, बुक करती हूँ गाड़ी। कितना बस बुक करती हैं? 7-8 बस है मेरी। कितना कमा लेती है? कभी 100, कभी 200, कभी 400 तक कमा लेती हूँ। टिकट काट के देना पड़ता है, सवारियों को आवाज लगा के बैठालना पड़ता है, वही काम है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कोई साधन की योजना मिली है आपको भी? कुछ भी नहीं, सिर्फ आवास का घर मिला है बस। अपना पूरा घर आप, परिवार आप चलाते? जी। कितने आप, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो मेरे नहीं है, मैं अपनी बहन, बड़ी वाली बहन के बच्चों, अब बच्ची दो ही मतलब मेरे पास रहते हैं। उनकी शादी कर दी, एक की शादी करने के बाद फिर क्या कहते हैं, बच्चा है तो अभी 9वीं पढ़ रहा है बच्चा, और भैया भाभी लोग हैं, उनको भी यहीं पे रखी हूँ मैं। कोई साधन की कोई योजना नहीं? कोई योजना नहीं। तो जो कई महिलाएं दूसरे कई गलत काम में लग जाती हैं जी, तो आप क्या संदेश देना चाहोगी ऐसी महिलाओं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल शर्म लाज की कोई बात नहीं है, दिलेरी से काम करो, जैसे मर्द लोग काम करते हैं वैसे औरत को भी करना चाहिए। सरोज ने पहले बस स्टैंड में अंडे की दुकान खोली थी, जिसमें वह कामयाब नहीं हुई। फिर उसने यात्री बसों में बुकिंग एजेंट बनने का कठिन फैसला लिया, जिसे वो अब बखूबी निभा रही है। सरोज अपने काम में दक्ष है और वह दिन भर में कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा लेती है, जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। हैरत की बात तो यह है कि महिलाओं के ही तो वह कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता व अफसरों ने इस महिला की अभी तक कोई सुध तक नहीं ली। विगत 10 से 15 वर्षों तक मैं सरोज दीदी को जानता हूँ। वे बसों में बसें एजेंट के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार को चलाती हैं। एक ओर जहाँ युवा वर्ग और बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही हैं, उन सभी को दीदी जो है खुद अपने पैरों पर खड़े होकर बस बुक करके ये योजनाओं को जो है आईना दिखा रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। दीदी बसों में सवारियां बुलाती हैं, जहां जाने वाले रहते हैं आगंतुक, उनको आवाज़ दे करके बुलाती हैं, टिकट काटती हैं, और कुछ जो गरीब रहते हैं उनका भी आर्थिक रूप से भी सहयोग करने का प्रयास दीदी करती हैं, जो वाकई में सराहनीय है। और अन्य महिलाओं के लिए भी ये आदर्श हैं, प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं, जब शासन प्रशासन इनको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाए। सरोज उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल है जो कई वजहों से परेशान होकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेती हैं। सरोज की कहानी न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है, बल्कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत को भी चरितार्थ करती है। सरकारी दावों की पोल खोलने के बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी सरोज की सरकारी मदद व सम्मानित करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे आपसे जानकारी मिली है। स्वाभाविक है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं,
और वो खुद अपना रोज़गार खुद प्राप्त कर पा रही हैं। और उसकी मिसाल है सरोज राय, वो काफ़ी मेहनती है, पहले उन्होंने कई सारे काम किए, सब्जी तक बेचा, और आज की स्थिति में ये है कि स्वयं आत्मनिर्भर होकर बस में कंडक्टर का, बस एजेंट का काम कर रही है। ये एक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक प्रयास है। अपने विभाग की तरफ से क्या कुछ मदद? विभाग के तहत तरफ से महिलाओं के लिए और किशोरी बालिकाएं जो 18 वर्ष की हो गई हैं उनके लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, ताकि बच्चियां उनका लाइसेंस बनने के बाद हो सकता है कि वो टैक्सी सर्विस में या अन्य चीज़ों में भी अपना रोज़गार ढूंढ पा सकती हैं। सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा, ऐसी महिलाओं को जो अपना अलग से अपना खुद पैरों में खड़े हो रही हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा विभाग के। मध्य प्रदेश डिंडोरी से प्रशांत सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनडीटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।